नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने किया टेकनपुर कटेरिंग बांध का निरीक्षण, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद करेगी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि कोई भी बाढ़ पीड़ित भूखा नहीं रहेगा, सभी लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। जो भी कर्मचारी व अधिकारी बाढ़ के समय लापरवाही बरतेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी शासन से राहत सामग्री, चाहे वह मिट्टी का तेल हो चाहे राशन हो, कर्मचारी ईमानदारी से हर परिवार को देने का कार्य करें। कटी हुई रिंग बांध के कार्य की प्रगति को देखकर उन्होंने व्यक्त किया संतोष। जिस दिन से रिंग बांध कटा हुआ है, तब से जिलाधिकारी आजमगढ़ और SP लगातार बांध का दौरा कर रहे हैं, जिस पर मंत्री दारा चौहान ने जिलाधिकारी व SP तथा ग्रामीणों की सराहना की। इस मौके पर जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार, SP त्रिवेणी सिंह, एडिशनल SP ग्रामीण सिद्धार्थ, XEN बाढ़खंड भाजपा नेता मनीष मिश्रा, अरविंद जायसवाल, देवेंद्र सिंह सहित अधिकारी मौजूद रहे। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है किसी बाढ़ से प्रभावित चाहे जो लोग भी हो, चाहे किसी समाज को हो, चाहे गरीब जो लोग भी होंगे, सारे लोगों को जो राशन है, मिट्टी का तेल है, उनको उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी फसलों का नुकसान है, उसके लिए जिलाधिकारी ने कुछ घोषित भी कर दिया। कुछ गांव जो रह गए उसको भी असेस करके सारे बाढ़ प्रभावित जितने भी गांव हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सारे लोगों का उचित मुआवजा दिया जाएगा। अभी लोग गए थे मिट्टी का तेल लेने ये ससपुरा के लिए, तो वहाँ कोटेदार इनसे बाद मतलब काफी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।